हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइम्स क्या होती हैं और इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइम्स वर्ड का मतलब क्या है, यानी कि डाइम्स क्या होती हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले कि डाइम्स वर्ड का मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले डाई का मतलब, जैसे कि आपको पता है, डाई मीन्स टू। और इंस का मतलब क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। इंस का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि इन किस में यूज़ होता है, एल्कीन। और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो इंस है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब है टू। तो जो डाइंस हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि डाइंस क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकेंड पॉइंट है कि डाइम्स होते क्या है, तो वो एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम डाइम्स। यानी कि डाइम्स क्या है, तो वो एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ, एल्कीन्स containing two carbon carbon double bonds। ठीक है, तो जो हमारी डाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनमें डबल बॉन्ड मिलेगा हमें दो। उनमें जो डबल बॉन्ड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, दो डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया कि डाइंस वो एल्कीन्स हैं जो कि दो डबल बॉन्ड को कंटेन करती हैं, यानी कि एल्कीन्स कंटेनिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड को कंटेन करती हैं, वो एल्कीन्स हैं डाइंस। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर कि डाइंस क्या होती हैं, तो एक पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि जो डाइंस है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला होता है डाइंस का। और अगर आपको याद हो तो यही जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइंस का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो डाइंस का जनरल फॉर्मूला है वो एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं लिख सकती हूँ, द जनरल फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। यानी कि जो डाइंस होती हैं उनका जनरल फॉर्मूला इक्विवेलेंट होता है एल्काइंस के जनरल फॉर्मूले के। तो यहाँ पर हमने पढ़ी थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी डाइंस होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो डाइंस होती हैं वो ऐसी एल्कीन है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में टू डबल बॉन्ड को कंटेन करती हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हमने, द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइंस इज CnH2n-2, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, वो फॉर्मूला इक्विवेलेंट है एल्काइंस के। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में टू डबल बॉन्ड मिलेंगे। और थर्ड कि इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इक्विवेलेंट होता है एल्काइंस के। अब हम बात करते हैं डाइंस का IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइंस। ठीक है, तो हम डाइंस का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो हमारी डाइंस होती हैं इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं एल्का डाइपीन। ठीक है, यहाँ पर एल्का का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको लिखेंगे हम एल्का। यानी कि अगर जो हमारी डाइन है अगर उसमें तीन कार्बन है तो एल्का की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोपा। चार है तो ब्यूटा, पाँच है तो पेंटा, छः है तो हेक्सा। देखिए ये रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड आपको अच्छे से क्लियर ही होंगे क्योंकि हम काफ़ी बार एल्केन का भी नॉमेनक्लेचर करके देख चुके हैं, एल्कीन का भी देख चुके हैं, एल्काइन का भी देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको रूट वर्ड अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है,
तो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं हम एल्का डाइईन करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डाइंस का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखिए अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो जैसे आपको पता है एल्का डाइईन करके इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नंबरिंग देंगे। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3, इधर से करेंगे तो भी 1 और 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करेंगे तो भी 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे मैं बोल रही हूँ इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड और 2 पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डबल बॉन्ड तो 3 पोजीशन पर भी आ रहा है, तो फिर मैंने 2 को क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इस तरीके से समझिए कि अगर मेरे पास ये है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये है कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मेरे पास ये है। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करती हूँ तो मेरे पास जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, हालांकि सेकंड नंबर वाले कार्बन से भी तो अटैच है डबल बॉन्ड, लेकिन हम लिखेंगे उसको जो छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों कार्बन की तो यहाँ पर 2 पोजीशन पर भी है डबल बॉन्ड और 3 पोजीशन पर भी है डबल बॉन्ड। तो हम सिर्फ 2 को ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम उसको लिखते हैं जो छोटा नंबर होता है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से छोटा नंबर कौन सा है, 1 पोजीशन वाला, तो हम 1 पोजीशन पर दे देंगे इस वाले डबल बॉन्ड को। और 2 3 वाले जो डबल बॉन्ड है 2 3 कार्बन पर, इसमें से छोटा कार्बन छोटी पोजीशन पर कार्बन है 2 वाला, तो हम 2 नंबर पर रख देंगे इसको। तो 1 और 2 पोजीशन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम एल्का की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप। तो जैसे मैंने अभी बताया एल्का, तो प्रोप का हो जाएगा यहाँ पर प्रोपा, ठीक है, प्रोपा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, देखिए उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे थोड़ी सी यहाँ पे गैप देंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर डाइन प्रोपा, और उसके बाद हमने थोड़ा सा गैप दिया और लिख दिया डाइन। अब ये जो गैप दिया है यहाँ पर हम पोजीशन को मेंशन करेंगे कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 1 और 2 पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और 2 पोजीशन, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये भी पता चल गया कि मैंने 3 पोजीशन ना देकर के 2 पोजीशन क्यों दिया है, क्योंकि हम उस पोजीशन को देंगे जो छोटा होगा। लेट सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन, 4 कार्बन है मेरे पास, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CH, और यहाँ भी CH है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरीके से है ये। अब इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगी तो डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर है और 2 पोजीशन पर है, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगी तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है और 3 पोजीशन पर है। तो मैं जो पोजीशन मेंशन करूँगी वो 2 पोजीशन को मेंशन करूँगी, क्यों, क्योंकि 2 नंबर छोटा है 3 से, ठीक है ना, 2 नंबर 3 से छोटा है, इसलिए मैं 2 वाले नंबर को यहाँ पर लिखूँगी। तो इतना पता चल गया आपको कि 2 यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम उस पोजीशन को मेंशन करेंगे जो छोटी होगी। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड 2 पर भी है और 3 पर भी है, लेकिन मैंने मेंशन किसको किया है, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूँगी तो मैं जो डबल बॉन्ड की पोजीशन बताऊँगी वो 2 बताऊँगी, ठीक है। तो मैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकती हूँ, 4 कार्बन है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी ब्यूट, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड तो मैं लिख दूंगी ब्यूट 2, और उसके बाद लिख दूंगी मैं ई। हालांकि ये मैंने एल्कीन का बताया है आपको, लेकिन मैंने ये आपको ऐसे ही एग्जांपल दिया है, ये डाइंस का एग्जांपल नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे ही एग्जांपल देकर के समझाया है कि मैंने 2 यहाँ पर क्यों मेंशन किया, ठीक है, क्योंकि 2 इसलिए मेंशन किया क्योंकि 2 छोटी पोजीशन है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि जब 2 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम 2 वाले को लिखेंगे, अगर 3 और 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम 3 वाले को लिखेंगे, अगर 6 और 7 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम 6 वाले को लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि डाइंस का IUPAC नेम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करती हूँ, कुछ स्ट्रक्चर नोट कर लेती हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी का, हम नॉमेनक्लेचर एक साथ करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये CH2 सिंगल बॉन्ड,
नहीं, मैं डबल बॉन्ड लेती हूँ यहाँ पर, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। और लेते हैं तो मैंने यहाँ ले लिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और मैं यहाँ पर ले सकती हूँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पर सी एच थ्री, ठीक है। तो मैंने ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर नोट कर लिए, इनका हम करके देखते हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो मैं नंबरिंग इधर से करूँ या फिर इधर से करूँ, सेम ही आएगा, करके देख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो जो मेरा डबल बॉन्ड है वो 1 और 4 पोजीशन पर आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करके देखती हूँ तो देखिए इधर से नंबरिंग करके देख लेते हैं इस बार, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो भी मेरा एक 1 पोजीशन पर आ रहा है और दूसरा 4 पोजीशन पर आ रहा है, तो सेम है, ठीक है। तो किधर से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, सबसे पहले हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन का रूट वर्ड होता है पेंट, और पेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, पेंटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 और 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई ईन, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो गया, पेंटा 1.4 डाई ईन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 1.4, उसके बाद लिख सकते हैं पेंटा डाई ईन, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको प्रोपा 1.2 डाई ईन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 प्रोपा, उसके बाद लिख सकते हैं हम यहाँ पर डाई ईन, मतलब दोनों तरीके से क्या है ये करेक्ट है, ठीक है। एक इस तरीके से भी नाम लिखा जा सकता है और इसका दूसरा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप सभी डाइंस का नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस अलग टाइप की डाइंस का नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसको इसका नाम लिखेंगे। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2-मिथाइल, उसके बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लिखेंगे ब्यूटा, उसके बाद किस पोजीशन पर है हमारा डबल बॉन्ड, तो 1 और 3 पोजीशन पर है, तो 2-मिथाइल-ब्यूटा 1.3 डाई ईन, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कुछ नॉमनक्लेचर करना, आप देखिए कुछ अलग तरीके का नॉमनक्लेचर करना सीखते हैं। आप देखते हैं कि अगर हमारे 2 डबल बॉन्ड साइकिल में प्रेजेंट हो तो उनका नॉमनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ साइकिल। तो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, तो उसका नंबरिंग करेंगे देन दे आर नेम्ड एज साइक्लो, क्योंकि साइकिल की रिंग होगी तो वहां पे साइक्लो लगाएंगे और उसके बाद वही सेम एल्का डाइन, ठीक है। एल्का डाइन तो अभी हम सीख रहे थे एल्का डाइन, लेकिन अब जब साइकिल में आ गए तो उसके पहले क्या लगा देंगे हम, साइक्लो एल्का डाइन। देखिए कैसे लगाएंगे, एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ मेरे पास यहाँ पर है ये एग्जांपल, डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और उसके बाद यहाँ पर हो गया मेरे पास ये सी एच टू, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये साइकिल में बना हुआ है ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, साइकिल में चेन, ये जो चेन है ये क्या है, क्लोज चेन है, साइकिल की रिंग में है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 1 मैंने इसको दे दिया, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड होगा यहाँ पर पेंटा, तो सबसे पहले लगाएंगे हम साइक्लो लगाएंगे, उसके बाद एल्का की जगह पे क्या आ जाएगा, पेंटा, क्योंकि 5 कार्बन है। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो एक तो 1 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड और एक 3 पोजीशन पर है, तो 1 3 डाई ईन,
ठीक है, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, क्या हो गया, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,3 को पहले लिख सकते हैं 1,3 साइक्लोपेंटा डाइईन, ठीक है, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। मैं इनको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइक्लिक हमारे पास रिंग होगी तो उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन, या फिर हम लिख सकते हैं 1,3 साइक्लोपेंटा डाइईन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे मेरे पास है यहाँ पर CH के बाद डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर है CH, और ये है मेरे पास CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इस तरीके का अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नंबरिंग हमेशा ऐसे की जाती है जैसे कि हमारे जो डबल बॉन्ड है उनको छोटी से छोटी पोजीशन मिल सके। तो 1 पोजीशन मैंने इसको दे दी, 2 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, 4 इसको दे दी, 5 इसको दे दी, और 6 इसको दे दी। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाना है मेरे को, साइक्लो, उसके बाद कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन का रूट वर्ड होता है हेक्सा, तो हो गया साइक्लो हेक्सा। उसके बाद क्या लगा, देखिए जो हमने 6 कार्बन है उसका रूट वर्ड होता है हेक्स, लेकिन हमने हेक्सा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एल्का है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया ए, तो साइक्लो हेक्सा। उसके बाद जो हमारे डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन क्या है, तो एक तो 1 पोजीशन पर है और एक 3 पोजीशन पर है, तो हम लिखेंगे 1,3, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डाइईन, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इसका नॉमेनक्लेचर। ये हमने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना सीख लिया है। अब हम कल सीखेंगे कि जो हमारी डाइंस होती हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सीखा डाइंस क्या होती हैं और उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, डाइंस क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे, और इनका जनरल फॉर्मूला किसके सिमिलर होता है, इनका जनरल फॉर्मूला एल्काइन से इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो अगर साइक्लिक रिंग है तो करते हैं हम साइक्लो एल्का डाइन, और अगर साइक्लिक रिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन में है, तो हम कैसे करेंगे, एल्का डाइन, यानी कि अगर ओपन चेन है तो एल्का डाइन, और अगर क्लोज चेन है, साइकिल की तरह चेन बनी हुई है, जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास, तो हम उसका नॉमेनक्लेचर करने से पहले साइक्लो लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।